अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर हिट करें ताकि आपको ऑल न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पर वक्त मिलती रहे। तो आज है हैप्पी बर्थडे। बर्थडे जो है वो हमारे घर के सबसे छोटे फर्द आयशा का है, जो लिटिल प्रिंसेस हैं, हमारे घर के सबसे छोटी फर्द हैं। तो इनका है फर्स्ट बर्थडे और ये बर्थडे सडन प्लान था और बस बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो गई माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो डेकोरेशन है इनके मामा बाबा चाचू और बच्चा पार्टी ने मिलके की थी और बहुत ही प्यारा कमरा इन लोगों ने डेकोरेट किया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था कमरा डेकोरेट होकर। तो मे अल्लाह ब्लेस यू एंड गिव यू मैनी मोर, हर तरह की खुशी नसीब करे। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खूब जो है वो अपनी लाइफ को इंजॉय करो। आमीन सुमामीन, सब आमीन सुमामीन कहें। तो यहाँ रूम की जो है वो डेकोरेशन हो गई थी तकरीबन कंप्लीट और केक भी जो है आ गया था। तो यहाँ पे जो केक बनाया था वो गिटार बनकर तैयार हुआ था और केक बहुत यमी था। तो केक जो है वो रेडी था कटने के लिए और तैयारी भी तकरीबन मुकम्मल थी। डिनर भी रेडी हो चुका था, वो भी मैं आपके साथ शो करूंगी। आयशा की एक्साइटमेंट मैं आपके साथ शो करती हूँ कि वो कितनी एक्साइटेड थी केक कट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो लिटिल प्रिंसेस आयशा जो है वो वेट कर रही है, केक को ढूंढ रही है इधर उधर और कैप पहनने के बाद बहुत एक्साइटेड। तो यहाँ पे हो गई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और केक जो है कटने के लिए तैयार हो गया है। तो और कैंडल और मिनी अनार जो हैं वो लग गए हैं केक पे। तो बस केक कटेगा और केक कटने से पहले ये हल्ला गुल्ला जो बच्चे करते ही हैं अमूमन और सब बर्थडे पार्टीज़ में होता है। तो यहाँ पे सब बच्चे जो है वो पेंस वगैरह लेके बलून्स जो है वो फाड़ रहे थे और यहाँ पे केक भी हमारा कट हो गया था। आयशा एक्साइटेड थी और शोर से ज़रा सा परेशान हो गई थी लेकिन उन्होंने जो है वो फुल इंजॉय किया। तो डिनर जो है वो रेडी था, आज जो है वो बना था बीफ कोरमा और चिकन पुलाव। वन ऑफ माय फेवरेट डिश इज़ चिकन पुलाव। तो आप भी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है वो बीफ कोरमा ज़्यादा पसंद है या चिकन पुलाव ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत यमी बना था चिकन पुलाव और मीठे में जो है वो बना था जर्दा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग बहुत दुआओं के साथ।